हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेकपीडिया के इस नए वीडियो में। आज है तारीख 14 जुलाई 2023। चलिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, कल ही एक वीडियो आया था पुरस्कार और सम्मान पे, जो पिछले 6 महीने में जितने भी करंट अफेयर से जुड़े हुए सवाल थे पुरस्कार और सम्मान के, वो सभी मैंने करा दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश किए गए एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो किस धर्म ग्रंथ के अपमान के हालिया सार्वजनिक और पूर्व निर्धारित कृत्यों की निंदा करता है और दृढ़ता से खारिज करता है। ए कुरान, बी बाइबल, सी भगवद गीता, डी कोई नहीं। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए कुरान। आइए इसके बारे में देखें थोड़ा। देखिए, जेनेवा स्थित 47 सदस्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मसौदा प्रस्ताव भेदभाव, शत्रुता या हिंसा को बढ़ावा देने वाली धार्मिक घृणा का मुकाबला को अपनाया, जिसमें 28 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया और 7 अनुपस्थित रहे और 12 देशों ने विरोध में मतदान किया। ठीक है, इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, इन लोगों ये लोग मुख्य ये सब बड़े देश हैं जो विरोध में थे, भारत इसमें पक्ष में था। ठीक है, यह प्रस्ताव जो है पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के राज्यों के सदस्यों की ओर से, जो इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्य हैं, और साथ ही फिलिस्तीन राज्य द्वारा लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस नाम से विभेदक वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उद्घाटन किया? ए सागर संपर्क, बी समुद्री संपर्क, सी उपग्रह संपर्क, डी जल संपर्क। देखिए, इसका नाम रखा गया है सागर संपर्क। देखिए, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री ने स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन किया। सागर संपर्क क्या है? तो यह एक स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक स्थलीय आधारित एनहांसमेंट सिस्टम है, जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करता है, जिससे अधिक सटीक स्थिति की जानकारी मिलती है। यह अब GPS और ग्लोनास के सुधार प्रसारित करने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। देखिए, राजस्थान के अरवल जिला में है। क्यों चर्चा में है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में स्थित प्राचीन पांडुपोल मंदिर में आने वाले लाखों भक्तों पर चिंता व्यक्त की है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा देख लीजिए। यह राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों में स्थित है। यह क्षेत्र पूर्ववर्ती अलवर राज्य का शिकार संरक्षित क्षेत्र था। इसे 1955 में वन्य जीव अभयारण्य और फिर 1978 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह दुनिया का पहला रिजर्व है जिसने बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार किस वर्ष तक सूर्य के सौर अधिकतम तक पहुँचने की उम्मीद है? 2024, 2025, 2026, 2027। तो याद रखिएगा, अगले 2 साल में इसका उम्मीद है, अर्थात 2025 तक में। देखिए, क्या है सौर अधिकतम, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। देखिए, सूर्य लगभग हर 11 वर्ष में एक प्राकृतिक सौर चक्र से गुजरता है। इस चक्र को सूर्य धब्बों के बढ़ने और घटने से चिन्हित किया जाता है, जो सूर्य की सतह या प्रकाशमंडल पर काले धब्बों के रूप में दिखाई देता है। किसी भी सौर चक्र में सौर धब्बों की सबसे बड़ी संख्या को सौर अधिकतम के रूप में नामित किया गया है और सबसे कम संख्या सौर न्यूनतम है। प्रभाव, यह बढ़ी हुई, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यह बढ़ी हुई सौर गतिविधि सौर ज्वालाओं और विस्फोटक सदिक अत्यधिक अंतरिक्ष एजेंसी घटनाओं का कारण बन सकती है। ये रेडियो संचार और पावर ग्रिड को भी बाधित कर सकती है और अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन किया जाएगा? ए सूचना मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी वाणिज्य मंत्रालय। देखिए, सही आंसर हो जाएगा ए सूचना मंत्रालय। सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसका भी 7वां संस्करण का, देखिए 7वें संस्करण के कर्टन रेजर का इसका उद्घाटन किया गया है। यह एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाएगा। 2022 में इसी मंच से मोदी जी द्वारा 5G लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए ब्लू स्टार, बी लैंड स्पेस, सी स्पेस एक्स, डी कोई नहीं। देखिए, ये लैंड स्पेस हो जाएगा। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। ठीक है, देखिए लैंड स्पेस,
ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है और जिसका नाम क्या रखा गया है, जूके 2। देखिए हाल ही में भारत और किस देश ने बहुप्रतीक्षित व्यापार लेन देन शुरू किया है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आधा अधूरा लिखा गया, हाल ही में भारत और किस देश ने रुपया में, ठीक है यहाँ पे रुपया छूट गया, रुपया में बहुप्रतीक्षित व्यापार लेन देन शुरू किया है? ए मलेशिया, बी बांग्लादेश, सी जापान, डी इंडोनेशिया। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। देखिए इसके तहत टका रुपया दोहरी मुद्रा कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। टका क्या है? बांग्लादेश का मुद्रा का नाम टका है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 मेगावाट की दो विद्युत ताप परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी उड़ीसा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। देखिए यूपी मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दो ओबराडी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। परियोजनाओं को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक कंपनी NTPC के सहयोग से निष्पादित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लिथुआनिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से? तो याद रखिएगा ये देवेश उत्तम जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए रवि नायक, बी अभिजीत चक्रवर्ती, सी के राजारमन, डी GK सतीश। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी अभिजीत चक्रवर्ती। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल रेक पीडिया से आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।